एलविश भाई गोवा से घूम के आ गए, गोवा गए तो घूमने, और उसके बाद फिर वीडियो लाए हैं बहुत ही तगड़ी। कौन सी? ऑफिस की पॉलिटिक्स। तो भैया ऑफिस में क्या पॉलिटिक्स होती है आपको बताइए। जहरी जहरी पॉलिटिक्स होती है, कतई जहरी। ये तो एक्सपीरियंस है पूरी, क्योंकि इसने फील्ड में काम किया है, ऑफिस फील्ड में कितने 5-6 साल, 6-7 साल, और हमने भैया 2-3 साल ही किया है। तो आज भी हम दबाएंगे भैया, साथ में एंजॉय करेंगे, गेमिंग चैनल में मिल जाए, पहले वीडियो एंजॉय करते फिर करते हैं बात। और एलविश भाई की वीडियो यार सच में अमेजिंग होती है, मतलब कि एक देसी पना लगता है, अपनापन लगता है, मजा आता है वीडियो देखने में। और भाई गजब, और दबंग आदमी भैया, भाई दबंग आदमी है, कोई दिक्कत ना, किसी को भी रोस्ट कर रहे हैं किसी के भाई सब, क्योंकि सीधी बात करता है, लॉजिक के साथ करता है। हाँ ये तो है, मैं तो शुरू दबंग तो है बंदा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं वीडियो, रेडी सेट एंड गो। तने मेरे ऑफिस को तमाशा बना रखा है, 13 बनाए हुए, एक भी प्रोजेक्ट आज तक पास हुआ है? अरे मैं तो 30,000 रुपया सैलरी देना जानू ना, 60,000 रुपया को काम भी निकलवा लूंगा। यहाँ कहाँ देख रहा हूँ मैं, यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बैठा। यार तुम्हारी समझ में ना आवे, यू प्लेटफॉर्म मैंने कितनी मेहनत से तैयार करा, हाथ फाड़ रही है बैठ के, कुछ समझ में आता है नहीं। गेट आउट। ये कैरेक्टर मस्त लेगा तो बीड़ी लेगा भाई। मैंने कॉलेज में टॉप मारा, एक भी दिन की कंपनी में छुट्टी नहीं लेता, पिछले महीने 25 इंश्योरेंस बेचे और फिर भी प्रमोशन किसका हुआ? उस राहुल का। वो 12वीं फेल, हफ्ते में 3 दिन तो ऑफिस आवे यार, 60 दिन फोन में लगा रहा है। और भाई प्रमोशन मेरे, एक चीज बता, मेहनती आदमी होना गुनाह हो गया भाई आज की तारीख में? और भाई मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, वैसे मेरी MBA खत्म होने वाली है। MBA? पर तू तो जॉब कर रहा है ना, तेरे को कब टाइम मिला MBA करने का? अबे खस्सी 1950 में जी रहेगा भाई, अपग्रेड ऐप डाउनलोड कर, तू जॉब करते करते साइड में कोई सा भी कोर्स कर सकता है, जैसे कि MBA, मास्टर्स या सर्टिफिकेशन कोर्स, वो भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज से, जैसे कि IIT मद्रास, लिवरपूल यूनिवर्सिटी, डेक्कन यूनिवर्सिटी और मायका। किसी भी वेल नोन यूनिवर्सिटी से तू डिग्री ले सकता है सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करके, और यहाँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट से 1-on-1 इंटरेक्शन और प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलता है। और भाई ये नाम की डिग्री ना है, काम की डिग्री है। एक बार MBA खत्म हो जाने दे तेरे भाई की, इस पूरी कंपनी ने खरीद लूंगा, इतना मोटा पैसा अपने घर पे, जहाँ मेरी इज्जत नहीं वहाँ मैं नहीं, मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख रहा हूँ। हेलो गाइज, मैं आई हैव अटेंशन प्लीज। ये ऐसे नहीं सुनेंगे। और ध्यान तो सुनो, अब की दिवाली पे मैं तुम्हें श्वेता की बनियान और गरम पजम भी दूंगा। कुछ भी मैं दूंगा तुम्हें, टीना तुम्हारी नई कलीग, टीना कम ऑन बेबी, टीना यू है तेरा नया ऑफिस, इन सब तो बढ़िया तरीका से मिलजुल ले, यही गल है। हेलो, कोई काम हो ना तो मोते मत कहियो, इनते कहियो, क्योंकि दिन में ना मैं बिल्कुल फ्री ना हूँ, रात को फ्री हूँ। ओ भाई साहब, इंट्रो कर लूं पूरा? ओ इन तभी कहा इंट्रो करना, मौत करना, चल कोई नंबर बंद कर, बढ़िया। ओए दो गरम समोसे, एक जहर की पुड़िया ला दे, मजा आ जाएगा। चल फिल्म दिखा दे। जहर की पुड़िया भाई किससे रह गए? भाई तू सही कह रहा था यार, भाई मेरे करियर पे फोकस होना चाहिए भाई मेरा, यार मैं इतनी छोटी छोटी बातों पे ऑफिस थोड़ी ना छोड़ दूंगा भाई, इसी ऑफिस में रहूंगा और खूब मेहनत करूंगा। तो मेहनत ही करना, कुछ और मत कर देना, तुम्हें तो पता होगा तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है और वो अभी इसी ऑफिस में काम करे। अरे सुबह सुबह गर्लफ्रेंड के नाम की बीटी दे दी तेरे, तुझे पता नहीं है उसके नाम से भाई मेरे को स्ट्रेस होता है यार, सुट्टा पीना पड़ेगा मुझे भैया। चल मेरे को लेके चल, सुट्टा पीने चल रहे हैं। सिगरेट पीन का बस बहाना दे दो तेरे को, चल भैया 2 गोल्ड फ्लैक्स दे दो और 2 चाय लगा दो। थैंक यू, पकड़ने भाई। वैसे सुनने में आ रहा है तू और नया शादी कर रहे हो अगले महीने। अबे तू पागल वागल है क्या, साले कौन अफवाह फैला रहा है उल्टी सीधी, मैं क्यों करूंगा उससे ब्याह? अफवाह ना भाई, नया खुद बता रही थी यार मेरे तो यार। अबे यार यू कैसी छोरी है भाई, इसने जी दुखी कर रखा है यार, थोड़ी थोड़ी पागल सी है क्या, बेवकूफ सी, साले उल्टी सीधी अफवाह फैला, सिगरेट दे चल। एक्सक्यूज मी, लाइटर होगा? दूर क्या हुई तू, यहाँ पे आग लगा रहा है, धुआं उठा रहा है? ये लड़की कौन है, ये तो पहली बार देखी मैंने ऑफिस में, तू जानता है इसको? एक्सक्यूज मी, एक मिनट बाबा, ये साइड चल। पहली बार देखी ऑफिस में यार, वो ना गर्लफ्रेंड है इसकी, इसकी ना अगले साल शादी है, ये लड़ते ही रहते हैं ऐसे, तू बता क्लब चलेगी मेरे घर शाम को? घूम उठा देंगे, घूम उठा देंगे क्लब,
तुम ही जाओ, वो एक्चुअली मुझे ना अपने बाप के इटान के भट्टे पे धुआं उठाने जाना है। ओके बाय। इटान के भट्टे? अबे क्या ड्रामा लगा रखा तूने यार। ड्रामा? और मैंने लगा रखा है? तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं? नहीं नहीं। ओ भाई साहब। अरे मेरा मतलब करनी है करनी है यार, तू चुप तो हो जा। नहीं मैं नहीं हो रही चुप। तुम पक्का उसके साथ कुछ कर रहे होगे? तुम उसके साथ गुलू गुलू कर रहे थे ना? अबे मैं क्या करूंगा उसके साथ यार, और जब तक तू है तू होने भी कहां देगी। सब सुनाई दे रहा है मुझे। मैं जा रही हूँ सीसीटीवी चेक करने। तुम उड़ाओ उसके साथ गुलछर्रे। क्या नाम है उसका? टीना। तुम्हें उसका नाम नहीं पता है? मैं जा रही हूँ। रुक रुक, तू मेरे से ब्रेकअप करके जा रही है? नहीं, ऐसे थोड़ी होगा ब्रेकअप। अरे फिर कैसे होगा? होगा ही नहीं। ऐसे कर गया भगवान, ये कैसे जाल में फंसा रखा आपने? लो देखो। अच्छा वैसे जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो तुमने ईंटें कहाँ से ली? हमने तो सारा मटेरियल उधार लिया था। फिर तो रहने दो। वो क्या है ना, मेरे बाप का ना इटान का भट्टा है, तो मैंने सोचा तुम क्यों ना वहां से ले लेते। इटान का ईंटें जो होती हैं भट्टा या ईंट बनके खो निकाला। कैसे मारता है भाई? सब फायर ही है बिल्कुल। ओ सीसीटीवी कैमरा। लेकिन वो उधार नहीं देते तो तुम तो रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। हाय हाय। वो यार एक्चुअली सुबह के लिए सॉरी, वो मेरे साथ जो बंदी थी ना। हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड? अनफॉर्चुनेटली यार वो ना मेरे को लेकर थोड़ा पोजेसिव है, तो उसके वजह से थोड़ा ड्रामा क्रिएट हो गया, उसके लिए सॉरी। चिल, गर्लफ्रेंड्स पोजेसिव होती हैं। तुम भी हो गया अपने बॉयफ्रेंड के लिए पोजेसिव? बॉयफ्रेंड होता तो जरूर होती, पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड से थोड़ा कम। और हाँ, मेरे बाप का ना ईटान का भट्टा है, अगर तुम्हें ईटी चाहिए तो। ईटान का भट्टा है, सही हो रहा है भाई। ईटे ले लो भाई, तो पहले ईटे ले लो। डैम, इनका तो यार ईटों का भी नहीं, ईटान का भट्टा है। इतने कूल हैं ये, इतना स्वैग कहाँ जम कर रहे हैं लोग आजकल। स्वैग। हाँ भाई, कैसे दो बोट पे पैर रखने की तैयारी चल रही है के? यार दिल तो मेरा एक ही बोट पे है, दूसरे बोट की तो मैं चाह रहा हूँ मेरी डूब जावे। भाई सीधा बोल देना नेहा को कि ब्रेकअप करना है। अरे यार इतना इजी नहीं है भाई, वो नस काट के मर जाएगी, मेरा नाम लिख जाएगी, साले फंसवाएगा का मुझे। अगर भाई मेरी जिंदगी में ब्रेकअप होना है ना मेरा भाई, अगला ही जन्म लेना पड़ेगा साला। बेबी जरा यहाँ पे आना। अब देखियो पक्का कंप्लेंट करेगी। यस। तुम आजकल लड़कों के साथ कुछ ज्यादा नहीं रहने लग गए हो? अबे तेरे दिमाग में मवाद जम रही है टटीरी से मुंह की? पहले तो ऐसी नहीं थी। भैया वो ना सर बुला रहे हैं आपको अपने कैबिन में। आ रहा हूँ भाई। यार तू एक काम कर, तेरे को ना मुझे ऐसा लगता है तेरे दिमाग को रेस्ट की जरूरत है, तू ना 3-4 साल की छुट्टी ले ले और ना कहीं दूर चली जा। तू एक काम कर, तू मार्स पे चली जा। हाँ हाँ, तुम तो मुझे दूर ही भेजना चाहते हो ना। हाथ जुड़वा लो देवी, हाथ जुड़वा लो। टीना तू घर में अकेली है और कोई बहन भी है? नहीं सिर्फ मैं। मतलब पापा में जान कम है, अम्मे बहुत है। मैं कम इन सर। भाई भाई तगड़े यार, क्यों कर रहा है? आजा बैठ बैठ बैठ। सर छोरी तो बहुत बढ़िया बैठा रखी है आपने। और मेरे को पता है आपको प्रमोशन वर्मोशन तो देनी ना है, जो बात है सीधी बता दो। आज तो मैं टीना तेरी टीम में घेर रहा हूँ, तू यह सारा काम समझाएगा ठीक है? सर मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इनसे पूछ लो, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है। नो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम पूछी बॉस कौन है? एकदम बटन पे बटन। तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत हो दिन में मेरे धोरे फोन मत करियो, क्योंकि दिन में मैं बिजी रहूं, रात को एकदम फ्री हूं। रात को एकदम फ्री नहीं आना, नहीं प्रसाद ले जाएगा ठीक है? अब जाओ निकलो यहां से, चलो। और सुन वो नेहा ना, वातन कह दियो मैंने कैश वाले डिपार्टमेंट में घेर दिया है ठीक है? तू ही कह दिया, मैं जा कहूंगा क्या? सर आपने नेहा का ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में कर दिया? हाँ आपने नेहा का ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में कर दिया? हाँ भाई हाँ, तेरे कान में जाकर बोलूं? अरे सर आपको तो मैं गली छाप कुत्ता समझता था जो हर जगह घूमा रहा था। आप हो अभी भी, पर अच्छे वाले आप तो सर महान इंसान निकले। अरे भैया किसी कर लूं छोटी सी है, एक कान पे छोटी सी किसी कर लूं, मूड बन जाएगा। चल यहां से एक छोटी सी किसी। यार एक बात तो है छोरा, मुंड मोहित तो करवा ही लेते, कोई बात ना फिर चढ़ा गांठ में।
कर देंगे सर। यार मैं भी पूरा खलनायक ही पड़ा हूँ मैं। गहरी आवाज़ का मजा आता है। बेबी मैं दूसरे डिपार्टमेंट में जा रही हूँ, अब तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगा, तू चले जा। क्या? मतलब मत जा। पर क्या ही कर सकते हैं, तेरी जुदाई का गम मैं सह लूँगा, तू जा और लेके जा इसको। बाबुल की ओ गाना गाना है। ऐसे कौन करता है मुझे बता, ऐसे कौन करता है? अब हुई है ना मेरी ताजी जिंदगी शुरू। ताजी टीना कहाँ है? और तू कहीं खो गया का छोटी छोरी? Are you lost baby girl? You're so funny. अरे यार मैं funny तो बचपन से हूँ, अपनी मम्मी पे गया हूँ ना। अब भाई करें नहीं शुरुआत। किसकी? अरे किस भी करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, हम करने प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। अरे भाई जेरी जेरी ले, जेरी ले डालो। बिलिंग का गाना उसके गाने पे। अच्छा वैसे अलवीश, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेते अगर तुम उसके साथ खुश नहीं रहते तो? यार तेरे को क्या ही रीजन बताऊं, अगर ब्रेकअप करना होता तो मैं बहुत पहले ना कर लेता, मजबूरी है मेरी मजबूरी। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं आ गई हूँ ना। ओह माय गॉड, तूने मेरे को अपना हाथ दे दिया ना, यही तो चाहिए था मेरे को, मुझे किसी का साथ चाहिए था। पता चला है जिस्मों का नशा करता है। चुप यार, मेरा हर एक से मजा करता है। दोनों लगे हो। मुझे तो पहले से ही पता था तुम मुझे चीट कर रहे हो। तू नहीं करवाया ना मेरा ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में, वो तो मुझे हिचकी आ रही थी तो मैंने सोचा तुझे मेरी याद आ रही होगी। तो मेरी याद नहीं आ रही, तुझे तो थरक आ रही है। बस ओ बस, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या गलत कर रहा हूँ मेरे को ये बता देना। और तेरा कुत्ता हूँ मैं या फिर तेरा नौकर हूँ, तेरा पट्टा बांध रखा जो तेरे को सारा दिन अपडेट देता रहूँगी क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, समझ नहीं आती तेरे को? मुझे डर लगता था, प्लीज मेरे को छोड़ दे, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। तुम्हें नहीं रहना ना मेरे साथ? नहीं नो, नहीं नो। अरे मेरी माँ कहाँ कूद के मरेगी, नीचे गिर जाएगी, तूने तो हील भी पैर रखी है। यार मेरे पे कितनी धारा लगवाएगी तू? देख देख भाई साहब, देखने यार अच्छी बात नहीं है, बहुत ऊपर है यार ये, नीचे गिर के बच भी गई तो हाथ पैर टूट जाएंगे। कुछ नहीं कर रहे, नहीं होगा तेरा ब्रेकअप, सब शॉर्ट हो जाएगा यार। मैं कूद जाऊंगी अलवेश। एक काम कर, आज तू कूद ही जा, तेने अपनी लाइफ तो खराब करी रखी, गैल गैल हमारी ने भी कर दे, आज तू कूद। मैं सच में कूद जाऊंगी। हाँ हाँ सच्ची की कह रहा हूँ, कूद तू आज। क्या कह रहा है यार तू ये? अरे रुक जा, अरे तू कूद। वो तो पर है के छोड़ो, रहन दो। इतनी बुरी हूँ क्या अलविश मैं? यार देख अच्छे बुरे की बात नहीं है, मैं तेरे को बहुत अच्छे नोट पे बता रहा हूँ कि मेरे को नहीं रहना यार तेरे साथ। बहुत टाइम से मैं तेरे को बोलना चाह रहा था कि अंदर से खुश नहीं हूँ मैं, और इसी डर से नहीं बताया कि कभी तू अपने आप को कुछ करना ले, पर प्लीज़ यार मैं तेरा आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, इन रियलिटी मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, प्लीज़ मेरे को छोड़ दे। आई नो मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया था, मुझे इतना नहीं करना चाहिए था। धीरे धीरे क्या हो गया मुझे पता ही नहीं चला, और मैं ये भी नहीं ध्यान दे पाई कि तू खुश है भी या नहीं। बस मैं तुझे किसी कॉस्ट पे खोना नहीं चाहती थी। आई एम सॉरी, होप करती हूँ तो मेरे बिना ज्यादा खुश रहेगा। क्या इसका भी पार्ट आएगा? बेचारी,
पर भाई तूने क्या ही रिस्क लिया यार, वैसे अगर सच में कूद कर मर जाती तो ये अबे पागल है क्या भाई, जो कूदन वाले रहे उनकी आंख में अलग ही दिख जावे, इसके बस की मच्छर मक्खी मार मारेगी नहीं। तू तो खिलाड़ी आदमी निकला यार, तूने ऐसी बंदी से पीछा छुड़वा लिया, अब आगे का सीन है तेरा भाई। आगे का सीन फुल सॉर्टेड है, नीचे वाली बंदी सेट कर रखी है भाई, क्या लड़की है यार वो, कितनी अंडरस्टैंडिंग, कितनी कूल। अब नीचे जाऊंगा अपनी सहेली के पास, उससे बताऊंगा यार का हो चुका है ब्रेकअप, फुल पार्टी करेंगे, फुल ओयो रशियंस बच्चे सेट। ओ भाई आज तो सच्ची लव स्टोरी बना दूंगा यार। राकेश एक काम कर तू, ओयो में ना 207 नंबर कमरा बुक कर दे। अरे हाँ हाँ हो जाएगा मेरा प्रमोशन, यहाँ का सीन ना एकदम सिंपल है। और इस कंपनी में आगे बढ़ने का क्या शॉर्टकट तरीका है वो भी पता चल गया। अब तू देखती जा, मैं अपनी लाइफ की इतनी लंबी सीढ़ी चढ़ूंगी ना, ये सब देखते रह जाएंगे। और देखियो धीरे धीरे करके ना मैं इतना पैसा कमाऊंगी कि ना तू सोच भी नहीं सकती यार। ठीक है मैं बाद में। एलवीर अच्छा हुआ तुम आ गए, वो मैंने प्रोजेक्ट ना आधा कंप्लीट कर दिया है, बाकी का तुम कर दोगे। वो एक्चुअली मेरी ना उंगलियों में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे बॉस से कुछ काम भी था तो वो मैं निपटा के आती हूँ, तुम कर दोगे। थैंक यू, बाय। प्रोजेक्ट तो मैं कर दूंगा, पर जब बॉस के पास जावे ना तो उससे कहिए ऑफिस में और भी मेहनत करने वाले लोग हैं, कदम उन पे भी ध्यान दे लें। बाकी तेरे तक सलाह देना चाहूंगा, जो ये शॉर्टकट वाली सक्सेस है ना, अभी तुझे लग रहा होगा कि मैं बहुत ऊपर पहुंच जाऊंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, बेटा एक मुकाम पे पहुंचने के बाद लाइफ तुझे ऐसा धक्का देगी ना, जब लाइफ में सिर्फ शॉर्टकट्स ही बचेंगे, सक्सेस नहीं बचेगी। बाकी भाई मैं तो तेरे को कोई नहीं समझाने वाला, बस मैं ऐसे एज अ फ्रेंड बता रहा था, बाकी आगे तेरी मर्जी है, जो मर्जी कर, और डोंट वरी किसी को नहीं बता रहा, टॉप सीक्रेट। कह तो तुम सही रहे हो। हेलो, हाँ बॉस मैं अभी आई। ओ नाम बना दी। ओ भाई कह तो तुम सही रहे हो। फैला दो वीडियो। होप करता हूँ भाई वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो भाई इसको लाइक जरूर करना, हर बार तुम मेरे लाइक्स का एम कंप्लीट करा देते हो, इस वाली वीडियो पे एम करते हैं भाई 5 लाख लाइक्स का। मुझे पता भाई तुम करवा दोगे जल्दी से 5 लाख लाइक्स करवा दो, और ट्यूशन टीचर पार्ट 3 भी आएगा यार, आएगा, तुम बहुत मैसेज कर रहे हो, अगली वीडियो वही निकालेंगे उसका थोड़ा वेट करना। और भाई बाकी लाइक कमेंट शेयर अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके बताना कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और भाई अपग्रेड ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जब बात भाई एक बात तो कहेंगे, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फनी थी और मजेदार थी, मतलब एलवीर भाई की वीडियो जब भी देखते हैं ऐसा लगता है अपनापन आता है, एक वो वैसा वाला स्वाद आता है कि भाई साहब बस अब आएगा स्वाद, क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी देर में पंच लाइन आती है, डायलॉग जो लिखे जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, फनी था लास्ट में आके थोड़ा सा, लास्ट में आके थोड़ा सा उसमें भी था। हाँ, और क्या बोलते हैं, एक ये बात भी सिखा कि अगर किसी रिलेशनशिप में आप सफोकेटेड फील कर रहे हो तो आपको उसको नॉर्मल नोट पे एंड करनी चाहिए समझ के, ये नहीं कि आप उसमें सुसाइड कर रहे हो, दूसरे को टॉर्चर कर रहे हो, या फिर उसके लिए आप ऐसा सरदर्द बन रहे हो कि वो ये सोचे यार मैं रिलेशनशिप से बाहर जाऊंगा तो ये ऐसे ना कर ले वैसे ना कर ले, आगे वाला घबराएगा, ये चीज़ तो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आखिर ह्यूमंस हैं, गलती हो जाती है, हर एक चीज़ होती है, तो भैया ये चीज़ नहीं होनी चाहिए रिलेशनशिप में, कि ऐसा ना हो कि हाँ तो मुझे छोड़ के चला गया या छोड़ के चले गई तो मैं तो नस काट लूंगी फांसी खा लूंगी, दैट इज रॉन्ग। और इतने प्यारी वीडियो के साथ आपको इतना प्यारा मैसेज दिया यार, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है, मतलब हंसते मुस्कुराते आपको एक प्यारा भरा मैसेज भी दे दिया कि लाइफ इज नॉट अ रेस, लाइफ हर रोज जीने की है, तो आज का दिन अच्छा नहीं है तो कल का दिन अच्छा होगा, मेहनत करते रहो, और कोई चीज़ नहीं चल रही है आपके बस में नहीं है तो उस चीज़ को छोड़ो आगे बढ़ो। बहुत ही सही कहा था मैंने, बिल्कुल कोई इलॉजिकल बात नहीं करेगा। और भाई देख स्क्रिप्ट तो अमेजिंग होती है इनकी, लेकिन स्क्रिप्ट जो एक्टिंग करना जिस तरीके से बोलना ना भाई साहब गजब। मेरे को भाई का पूरा रियल नेम नहीं पता, लेकिन जो मैं चेक करूंगा, जो भाई ना जो टीचर ही बना था ट्यूशन टीचर, और जो उनका वो है फरीदाबादी रॉकर्स नाम से इंस्टाग्राम पे, भाई साहब यार गजब, उनकी एक्टिंग एक नंबर है, एलिस भाई की तो है ही, इनकी गजब है पूरी टीम, अलग से भी वीडियोस हैं उनकी। हाँ, और करप्ट यूबर भाई जो कटारिया भाई, भाई यार गजब पूरी टीम, कीर्ति मेहरा की एक्टिंग कह लो चेक किसी भी, भाई साहब मजा आता वीडियो देखने में, और मतलब कि ओवरऑल पैकेज भाई पूरा चैनल बहुत है। भाई वीडियो बहुत अच्छी लगी यार, आप लोगों को भी अच्छी लगी प्लीज कमेंट करके बताना बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा, और यस वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूशन टीचर की बेटी से प्यार थर्ड पार्ट भाई साहब। तो भाई इसी नोट पे एंड करते हैं, आई होप वीडियो अच्छी लगी और आपने कुछ सीखा होगा थोड़ा सा, हर वीडियो से कुछ ना कुछ मिल जाता है सीखने को, नहीं मिलता तो एंटरटेनमेंट के लिए तो होती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, हैव गुड डे, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।